अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप अपने बच्चे का पासपोर्ट बनाना चाहते हैं पाकिस्तान में तो उसका क्या प्रोसीजर है। मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि बच्चे का बे फॉर्म या चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट CRC इसको कहते हैं, वो अगर आपने बनाना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो अब जो है हम जाजिब का पासपोर्ट बनाने आए हैं ब्लू एरिया में, एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट इनका जो ऑफिस है उधर, और हम आपके साथ शेयर करते हैं सारा प्रोसेस। ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए थी उसमें सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत थी, मगर मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपने देखा था कि वहाँ पे जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि बच्चे की माँ को भी लेके आए, तो फिर इस बार मैं ऑलरेडी ओवर प्रिपेयर्ड हो गया हूँ और माँ को साथ ले आया हूँ, बच्चे को भी साथ ले आया हूँ। ये भी नहीं लिखा था कि बच्चे को साथ लाना है, मगर आई फील कि बच्चे की ज़रूरत होगी क्योंकि बच्चे की पासपोर्ट फ़ोटो खींची जाती है। तो लस्सी के सारा प्रोसेस क्या है आपके साथ सब शेयर करता हूँ, और एंड में आपके साथ थोड़ा वर्ल्ड कप जो फीफा वर्ल्ड कप के मैंने ऊपर वीडियो बनाई थी और मैं काफ़ी ट्रैवल एजेंसीज के साथ बात भी कर रहा था, उसके बारे में भी थोड़ी सी अपडेट दूंगा। ओके सो लेट्स गो। जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था, बच्चे का पासपोर्ट बनाने के लिए आपको बच्चे के साथ आना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको बच्चे का ओरिजिनल CRC या बे फॉर्म साथ लेके आना है। अगर आपने उसका स्मार्ट कार्ड बनवाया है तो वो लेके आएँ। वेबसाइट पे लिखा है इसकी आपको एक फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत है, मगर मेरे एक्सपीरियंस में उन्होंने मुझसे दो फ़ोटोकॉपी मांगी थी। इसके अलावा बच्चे के माँ बाप का ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी, और आखिर में एक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का फ़ी चलान चाहिए होगा जिससे आप ये जाहिर कर सकेंगे कि आपने पासपोर्ट की फ़ीस जमा करा दी है। एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट ऑफिस के केस में आपने ये जो फ़ीस है अंदर दिए गए काउंटर पर ही जमा करानी है, कहीं बाहर वाले बैंक में जमा नहीं करानी। पाकिस्तान के पासपोर्ट ऑफिसेज में कैश हैंडलिंग होती है, तो ये समझ के मत आइएगा कि आप कार्ड पेमेंट करेंगे। ज़रूर आपने साथ इतना कैश लेके आएं कि आप अपने पासपोर्ट की फ़ीस जमा करा सकें। जिस पासपोर्ट ऑफिस में हम गए थे वहाँ पर ATM की फैसिलिटी मौजूद थी, मगर ऐसा हर पासपोर्ट ऑफिस में ज़रूरी नहीं है कि आपको फैसिलिटी मिले, तो बेहतर यही है कि आप अपने साथ कैश लेके आएं पहले से। ऐसे ऊपर बैठेगा, नीचे बैठेगा, आराम से बैठ जाएगा। अच्छा इसको पसंद आ गया, वो आ गई, वो देखो बस डॉक्यूमेंट्स कौन से वाले, ये बे फॉर्म ओरिजिनल बे फॉर्म आईडी कार्ड, ये दो कॉपीज मुझे पेरेंट्स की इसकी, तो एक कॉपी ये कितने दिन में बन जाएगा? 10-15 दिन ठीक है। सारा प्रोसेस स्मूथ जा रहा था, और जैसे ही जो है वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर वाले हम ऑफिस में गए, वहाँ पे उसने सारे डॉक्यूमेंट जब चेक किए तो उसने फिर थप्पड़ लगा दिया कि जी आप इसको 17 ग्रेड के ऑफिसर से अटेस्ट करवाएं। एक तो ये उन्हें समझ नहीं आता ये 17 ग्रेड का ऑफिसर जो है इसका यानी क्या मकसद है, माँ बाप दोनों इधर हैं तो क्या ज़रूरत क्या है मतलब इसकी। और दूसरी बात ये कि मैं यानी उनको मैंने बोला कि मैं ओवरसीज रहता हूँ, मैं किसी को नहीं जानता, और ये सच बात है मैं किसी 17 ग्रेड के ऑफिसर को नहीं जानता, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को नहीं जानता, तो मैं क्या करूँ। यानी कहते हैं कि आप अपने नेबरहुड में ढूंढें, बस फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं वहाँ नेबरहुड जाऊँ अपने, ठीक है, वहाँ से टेस्ट करके वापस आऊँ, पेट्रोल का सारा खर्चा करूँ फिर से,
और दूसरा मैं नहीं, उधर कोई भी नहीं है मेरा, और मैं ओवरसीज पाकिस्तानी अगर हूँ तो मैं यहाँ पे घूमता फिरूँ, सबको ढूंढता फिरूँ, 70 ग्रेड के ऑफिसरों को, तो इसकी कोई लॉजिक नहीं है। पुराना फरसूदा निज़ाम है, इसके बीच में फिर से आ गया सारा जो है ना मज़ा, किरकिरा हो गया। बड़ा अच्छा जा रहा था, स्मूथ जा रहा था। तो भी हमने इंस्टाग्राम पे डाला है अपने, देखें कि कोई शायद हमें फॉलो करता हो 70 ग्रेड का ऑफिसर शायद। तो तब तक हम यहाँ वेट कर रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं बाहर ऑफिस के, और दसी के कैसा होता है, कैसा जाता है। तो लास्ट टाइम मेरी पिछली वीडियो में लोगों ने कहा था कि आप फोटो कॉपियर के पास जाएं, उनके पास होते हैं ठप्पे। करीब में एक फ़ोटो कॉपी वाला था, उसके पास गया उससे, तो कहा नहीं है मेरे पास। तो लेट्स सी, आई होप वी गेट रिड ऑफ दिस स्टूपिड रिक्वायरमेंट। तो तकरीबन 1.5 घंटे की ख्वारी के बाद एक इंस्टाग्राम पे हमारे फॉलोअर थे, उन्होंने हमें एक अपने दोस्त से कनेक्ट करवाया। फिर मैं G10 गया, वहाँ से मैंने अटेस्टेशन करवाई है थैंकफुली, और अब हम जा रहे हैं वापस ब्लू एरिया। तो बहुत ज़्यादा ख्वारी हो गई है हमारी, बट अगेन हमने एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट ऑफिस इसलिए गए थे ताकि हमें जो ख्वारियाँ हैं इन सब से थोड़ा छुटकारा मिले। इसकी प्रीमियम फ़ीस भी हमने दी थी, मतलब इस ऑफिस में जाने के लिए। अगर आई मीन दिस वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस ऑनेस्टली, कि मतलब अगर आपको 17 ग्रेड के ऑफिसर को नहीं जानते आप, तो आप क्या करेंगे। तो एक पता नहीं क्या इस रूल का फ़ायदा क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। और तो बिल्कुल ही कम्प्लीटली बुरा एक्सपीरियंस तो नहीं था, सिर्फ ये एंडिंग खराब थी। हाँ, लेकिन ओवरऑल प्रोसेस जो है काफ़ी स्मूथ था, और हम बहुत जल्दी फारिग हो गए थे। अगर ये एंड में ये मगर हाँ, मगर ये एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट ऑफिस उन्होंने ऐसे एडवर्टाइज किया कि सब वन विंडो ऑपरेशन, आप उधर गए बस आपका काम पूरा हो गया। अब जैसे कि मैं जानता भी किसी को होता तो मैं वो पेपर लेके फिर जाता अपने घर जाता, वहाँ से पता नहीं जहाँ से भी मुझे करवाना होता। इट शुड बी अ वन विंडो ऑपरेशन। आपको पता है मेरे नादरा का पूरा फैमिली ट्री है आपके पास, कि सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हैं, तो फिर आपको किस बात पे आपको 17 ग्रेड का ऑफिसर जो है कैसे वेरीफाई कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जिस बंदे ने जो मेरा टेस्ट कराया वो मुझे जानता भी नहीं है। बिल्कुल कंप्लीट स्ट्रेंजर है। और वो क्या वेरीफाई कर रहा है, मतलब क्या मकसद है इसका? और उसके अलावा क्या है इसके? और ये यानी फोटो कॉपी वाले लोग, काफी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया क्या आप किसी भी कोर्ट कचहरी के करीब जो फोटो कॉपी वाले होते हैं उनको पास चले जाएँ, वो कर देंगे। मतलब अगर एंड में करना ही इस तरह होता है, यानी सारी करवाइयाँ ही हैं, तो इसका जो असल मकसद है वो तो पूरा नहीं हो रहा ना। नहीं, और खुद अंदर बैठ के कह रहे हैं कि आप किसी वो पॉलीक्लिनिक चले जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएं। उसका हमारा ये यार एक डॉक्टर का काम है कि मरीजों को अटेंड करे, उसका ये काम, मतलब हम जाके हमें मुझे गिल्ट फील हो रहा था कि मैं एक डॉक्टर का प्रेशियस टाइम लूँ कि मेरा टेस्ट करा दें, उस 5 मिनट में वो शायद किसी मरीज को देख लेता। तो ये अजीब ही कोई फजूल सिस्टम है। और खैर अब देखते हैं कि अब कोई और कीड़ा निकालते हैं इस पर या नहीं निकालते। अभी हम जा रहे हैं, पेट्रोल काफ़ी ज़ाया हुआ है, मतलब ठीक है हमारा तो ज़ाया हुआ, मगर अगेन दिस इज़ अ नेशनल लॉस। इतना बर्न हमने किया है इस वक्त पेट्रोल, इसको इस फौरी इस फजूल सिग्नेचर की वजह से, मतलब ये जो है आपकी इकोनॉमी पे भी असर पड़ता है, ऐसा छोटी छोटी चीज़ों पे सीरियसली, क्योंकि वी इम्पोर्ट ऑयल, मतलब इससे इम्पोर्टेड थिंग। एनीवे बहुत हो गया जज्बात थी, हो गए हम बहुत। चलें अभी आपको बताते हैं आगे। हाँ चलो, लेट्स टॉक अबाउट द वर्ल्ड कप। हाँ ये बात भी कर लेते हैं, वर्ल्ड कप का जो है एज़ यू नो मैंने अपनी वीडियो बनाई थी, उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया था, और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि आप बताएं व्हेन को, उस पर मैंने मेंशन किया था कि आई वांट टू डू अ गाइडेड टूर ऑफ द वर्ल्ड कप और द कतर का। तो मेरी 3 ट्रैवल कंपनी से बात हो रही थी, और ऑनेस्टली तीनों कंपनी से मुझे जो अंदाज़ा हुआ है कि वो सारी कंपनीज ये चाहती थी कि मैं उनको बेसिकली यू नो सब सारा काम मैं करूं, सारा ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग टू पूरा टूर प्लान मैं करके दूं, और बस वो टिकट इशू कर दें या बस अपना वो जो है नाम लगा दें। दैट्स नॉट द प्लान, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यानी कंटेंट वाइज इतना काम है, और अगर मैंने खुद ही सारा करना है तो मैं खुद अपना क्यों ना टूर बना लूँ। ठीक है, टिकट इशू करना कौन सी बड़ी मुश्किल बात है। तो अगेन मुझे फिर ये हुआ कि यार
मेरे नाम पर अगर आप लोग वो टूर बुक कराएंगे तो फिर अगर ख़राब एक्सपीरियंस होगा तो मेरा, मैं इस बारे में बड़ा सेंसिटिव हूँ कि मैं ऐसी चीज़ रिकमेंड करूँ जिससे मेरे मेरी रेपुटेशन ख़राब ना हो। तो फिर ऑनेस्टली फिर मैंने तो गिव अप ही कर दिया कि यानी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कोई कंपनी अभी जो है वो सीरियस है इस तरह से कि वो इस टूर को सही सीरियस ले। तो और दूसरी बात ये थी कि वर्ल्ड कप के टिकट भी मुझे नहीं मिले उस तरह से लॉटरी में, और लॉटरी मतलब वही जो उसकी आप रैंडम सिलेक्शन होती है उसमें, और वैसे भी काफ़ी महंगे हो गए। तो आई डोंट इवन नो इफ आई विल गो टू द वर्ल्ड कप और नॉट, बट शायद लास्ट मिनट कुछ प्लान बन जाए, और अगर प्लान कोई बन जाता है लास्ट मिनट तो फिर मैं कोई प्राइवेट आप लोगों के साथ अरेंजमेंट कर लूँगा, अपने इंस्टाग्राम पे मैं शेयर कर दूँगा, एंड यू नो हम लोग लाइक 5-6 लोग मिलके कोई टूर कर लेंगे वहाँ पे प्राइवेट बेसिस पे। बट एज अ फॉर्मल टूर लेके जाना वो मुझे तब फीजिबल नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा काम है और उसमें वही मैसअप होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो अगेन फिर मैं मुझे लग रहा है कि आई एम गोना गिव अप ऑन दैट आइडिया। तो ये मैं आपके साथ तब शेयर करना चाह रहा था। एग्जैक्टली 10 वर्किंग डेज़ के बाद मुझे अपने बेटे का पासपोर्ट मिल गया है। जिस दिन मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे वही 17 गेट के ऑफिसर की अटेस्टेशन के बाद, कोई और उन्होंने मसला नहीं किया, बिल्कुल ईजिली सबमिट हो गए थे डॉक्यूमेंट्स। मैं उस दिन रिकॉर्डिंग करना भूल गया, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था और थक गया था। तो खैर आज मैंने ये कलेक्ट कर लिए हैं। 10 वर्किंग डेज़ मतलब तकरीबन 2 हफ्ते बनते हैं, बीच में हमारी बड़ी ईद भी आ गई थी तो तकरीबन 3 हफ्ते लग गए। बट ये पासपोर्ट मिल गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि व्हाट यू थिंक अबाउट दिस होल प्रोसेस जो अटेस्टेशन वाला है। मुझे लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये कॉलोनियल एरा का एक हमारा हैंगओवर है जो अभी तक हम इसको ख़त्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि मुझे बिल्कुल पॉइंटलेस चीज़ लगती है जब आपके पास बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस हैं, नादरा का सिस्टम है, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। खैर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।